नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्झायारम नमो लोए सभ्य साहूरम। अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचरण मंचातम भाव पूजा वंदना तो समेतम सी सिद्ध भक्ति कार्य सरकम कुरुहम। सम्मतिनान दंसन वीर सोत्तम गेड़म आगुर्लघुवम मठ गुण हौंति सिद्धारम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम्मी दंसनम्मिया सिद्धे शीर्ष नमस्यामी। इच्छाई वंते सिद्ध भक्ति कावसक का तत्सालेचम सम्राण समदर्शन संयुक्ताणम अठ विप मुक्काणम अठ गुण संपैराणम उडुलु मपैठियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अति तड़वड्डमालम काल शब्द सणच कालम अच्छेमी पुज्यमी बंदामी नमस्यामी दुख को कम को वो ही लाभो सुगैडम शमाइमाणम जिनगुण संपत्ति हो दुहो मध्यम। अत अप्राणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचरण मंचातम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री श्रुत भक्ति कार्य सरगम करुहम। कोटि शतम द्वादशी कोट्यो लक्षांशी तीर्थिकांशीव पंचाश दृष्टो च सहस्र संख्या मित श्रुतम पंच पदम नमामि अरिहंत भाष्यथम गढ़हर देव गत्यम सम्मम प्रणमामि वति जत्तो सुदृढ़ाण मौव्यम शिरसा। इच्छाई वंते श्रुत भक्ति कावसगो का तत्सलिचम अंगो अंगे पाटिले पाहुड़े परसत मायुगा पवगाय चूलिया चेओ सुत दिधम कांच कालम अचेमी पुचेमी बंदामी नमस्यामि दुख को कम को वही लाभो सुगैगणम समाई मणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अत प्राणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचरण मंचातम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री आचार्य भक्ति कार्य सरगम कुर्वेहम। सुचतुर्पुण्यभ्यो नमो गुरुगुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरसन्दृश्ये शिष्याणुंगुलकुशले धम्मायै सदा वंदे गुरुभक्तिसंयमेन यात्रन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नियठ्यकम्मं जन्मनपाविन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्धुना साधु क्रिया साधवः शीलप्रागुणगुणप्रेरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा
पीड़न्तु माम साधुवः गुरुवः प्रान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छाई वन्ते आयुर्वेदी कौशक कौतसालिचम समणानम संदंसन संयुक्तानम पंचविहचारम आयुर्याणम आयरादि सुदृणान देशान उवध्यायाणम तीर्गुण प्रणव्रतम संस्कारम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुखको कमको वो ही लाभो सुगैगणम सुमाई मणम जिनगुण संपत्ति हो मजम कल्पांत काले वचना विजया गुरुराम लोकोत्तरा खेले गुण स्तवनम प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शेरसा मनसा वचो भी दग्ध्या शिवं विमलसा गर सूर्य वर्याः तोभ्यं नमः रविशमा तम तेज काये तोभ्यं नमः शशि समो ज्वल वैवाये तोभ्यं नमो दुरितजा लेविनाशनाये तोभ्यं नमो गुरुवीरा गिशिव प्रदाये तोभ्यं नमोस्तु भावशा गरतारिणाये तोभ्यं नमोस्तु भावेदो खनिवारिणाये आध्यात्मि मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्य वर्य श्री विशो नमोस्तु तोभ्यं दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया अनुपम सागर की समत सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया आचार्य विशुद्ध सागर की शिष्य सहारनपुर में आयो पंच महा सब जन का मन तन मंगल मंगल गायो गुरु जी की मंगल मंगल गायो नारागी की नादेशी की नव मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया अनुपम सागर की समत सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर पांच महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी खड़गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी गृह त्यागी की बैरागी की गृह त्यागी की बैरागी की शुभ मंगल दीप सजा के मैं आज उतारूं आरतिया अनुपम सागर की समत सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर आज नयन से लख कर आलोकिक सुख पाया भक्ति भाव से
जंजर से बन जाए हम भी ऐसा हम हो गया अर्जंतों का सान करो मैं सिद्धों का संभान हो आचार्यों की शरण उपादाय बोलिए श्री 1008 स्वामी जी बोलिए श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय राज समत्व सागर जी महाराज की जय एक साथ आप लोग को एक साथ जो विनती करते हो उस विनती को गाना है हम बच्चे आए हैं गुरु भाई एक साथ कोई बोलेगा चलती हैं पीछे के कुर्सी वाले भैया लोगों के पास दादा लोगों के पास ये दादा लोग को ये बताना है आज कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार और आपका होता है कोई आनंददायक नहीं है मुखिया होता है उसको कैसे होना चाहिए पीछे दादाजी हाथ ऊपर करें हाँ दादाजी बताइए आप श्री नमस्तु मेरा विचार यह है कि बुजुर्ग लोगों की गिनती 55 साल के बाद ही शुरू होती है और पुराने लोगों का कहना है कि 55 के बाद ही बचपन शुरू होता है तो जैसे जैसे 55 के बाद की ऊपर होगी तो बच्चों के साथ ही उन्हें वात्सल्य के साथ खेलना पड़ेगा कूदना पड़ेगा उसी के साथ तभी हम उनको समझा सकते हैं जब तक हमारी उनसे दोस्ती नहीं हो पाएगी तो वो हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो पाएंगे हमें उनके गाइडेंस के रूप में काम करना है एक गाइड के रूप में काम करना है और उनको उनकी ही भाषा में समझाने की कोशिश करनी है जिसमें वो अपने आप को एक मित्रवत दादा को ले सके आप कहोगे कि महाराज ये तो गलत है बचपन में ही हाथ पैर छिलते हैं ना घुटने ज़्यादा कब छिलते हैं बचपन में ना नहीं माँ बचपन में कभी घुटने नहीं छिलते आदिनाथ हमारे तीर्थंकरों को भी तो बचपन आया था कि नहीं आया था
कभी भी हो माँ, कोई भी दुर्घटना हो, चाहे छोटी सी अवस्था से हो चाहे बड़ी अवस्था की हो, बचपन से कोई भी घटना नहीं घटती, बचपना करने से घटना घटती है। क्या करने से? बचपना करने से घटना घटती। हाथ पैर उन्हीं बच्चों के छिलते हैं जो बचपना करते हैं, नहीं तो हमारे तीर्थंकर भी तो बचपन था उनका भी, उनके क्यों नहीं छूटे? कभी सुना कहीं पढ़ा तुमने कि हाथ पैर छिल गए? वो ही तो घुटने चलते थे। लेकिन बचपना जो करता है तो अच्छे अच्छे बुजुर्गों के भी हाथ पैर छिल जाते हैं, है ना। तो बचपना करने से पहले नंबर गार्जियन को कैसे रहना चाहिए, पहले जो मुखिया घर का है उसे पहले नंबर अपने पर और अपने परिवार वालों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, उसे पूर्ण रूप से अपने परिवार वालों के लिए समर्पण होना चाहिए। तीसरा, अपने के साथ साथ अपने को संभालने के साथ साथ छोटी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले छोटी छोटी बातें समझने का उसमें साहस होना चाहिए। चौथा, अपनी बात सुनाने के पहले सबकी बात सुनने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं अपनी अपनी सुनाते हैं, छोटे की सुनने की शक्ति नहीं रखते। तो इसमें क्या कहते हैं, जब तक बच्चों की नहीं सुनोगे तब तक वो अपनी नहीं खोल पाएंगे, तो तुम कैसे उसे समझा पाओगे? अपनी अपनी सुनाते रहोगे तो बच्चों की नहीं समझ पाओगे, तो उनको नहीं संभाल पाओगे। पहले जरूरत है सब में ज़्यादा, माँ आज हर व्यक्ति दुखी क्यों है? सुनना कोई पसंद नहीं कर रहा, सुनाना सब पसंद कर रहे हैं। एक घड़ी आप मौन ले लीजिए, सामने वाली की सुन लो, और सुन लिया ना उसका इतना मन हल्का हो जाता है, इतना हल मन को होता है कि वो भी हल्का, बस सुनने की शक्ति रखो। किसी के हाथ पैर दबा के बह्यवृत्ति कर पाओ या ना कर पाओ, उसकी माते सुनना सीख लो, उसकी मानसिकता बह्यवृत्ति आपने कर ली। पहले व्यक्ति की सुनना सीखो, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बहु बेटियां हो, कोई भी हो, पहले सुनने की आदत डालो। किसे? विश्वासपूर्वक समर्पण, जैसे आप चाह रहे हो कि मेरे पे समर्पण है, हर चीज़ हमें बताएं हम पे करें, ऐसी आप उन पे भी समर्पण हो जाइए। बच्चे छोटे हैं उनकी भी ध्यान रखना है, जब बच्चे बराबरी के होने लगे उन्हें बच्चे बच्चे मत समझो, अब उन्हें एक दोस्त की बात दोस्त मित्र बना के रखो, क्योंकि मित्र बना के रखोगे तो मित्र मित्र से अपनी सारी बात खुल के रख सकता है। वहाँ पर भी अगर आप बड़प्पन दिखाओगे, नहीं मैं पिता हूँ, पिता की दृष्टि से रखो, तो आप उसके मन की सारी बात नहीं जान सकते। बच्चा बराबरी का हो रहा है, बेटियाँ बराबरी की हो रही हैं, आप उसके साथ एक सहेली और एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार रखिए, ताकि उनके अंदर की बात को प्रकट कर सको, उनकी भावनाओं को समझ सको, वो क्या चाह रही हैं, किस अवस्था में पहुँच गई हैं, उनकी वेदना को समझो। आप अपने अधिकार पर बैठे, नहीं मैं माँ हूँ, माँ की दृष्टि से रखना, मैं बाप हूँ, बाप, मैं बड़ा भाई, बड़े भाई, तो इसमें क्या होता है माँ, कोई अपने दिल की नहीं कह पाता, मन की नहीं, गुंतित रहते हैं और एक दूसरे की समझना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होता है कि परिवार में एक रिश्ते तैयार करने के चक्कर में एक दूसरे से बोलचाल एकदम से दूसरे से कटे कटे, एक दूसरे छिप छिप के काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की समझना, भावना, छोटा सा बच्चा है, आप छोटे बच्चे के साथ छोटा बच्चा बनिए, लेकिन आप बच्चे बन के मत रहिए। बच्चा तोतली भाषा बोल रहा है, आप तोतली शब्दों में उसके बात करोगे वो तुम पर भी प्रसन्न रहेगा, तुम उनसे प्रसन्न रहोगे, लेकिन हर किसी से तोतली बात के मत बोलो। फिर जिस जैसी अवस्था जिसकी है उस अवस्था के अनुसार उनकी परिणामों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो कि बच्चा चाहे क्या रहा है। हम अपने अनुसार बच्चों को मत चलाओ, पहले नंबर उनकी प्रतिभा देखिए कि बच्चे को रुचि अगर खेल में है, क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाह रहा है, हम उससे कहें नहीं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो वो माँ उसकी रुचि खेल में है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। आपका कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, इसकी प्रतिभा को नहीं उभारना है, तो पहले नंबर उसको खेल का पूरा मौका दो। क्या? खेलने का पूरा मौका दो, उसके सामने ये शर्त रखो कि बेटा तुम खेलो, एक घंटा तुमको खेल की छूट है, लेकिन खेल जितना खेलना खेलो, लेकिन उससे दूना पढ़ाई करके दिखाइए। बच्चों के मोबाइल त्याग मत कराइए, आदत आपने डाल दी है, अब उनके मोबाइल नहीं छूट रहे। उनको ये मत कहिए कि मोबाइल त्याग करा दो पढ़ाई नहीं कर रहे, आप उनसे ये कहिए कि आपको मोबाइल चढ़ाने का पूरा अधिकार है, हम खेलने के लिए मोबाइल देंगे, लेकिन जितने घंटे या जितने मिनट आप मोबाइल देखेंगे उससे दूने पहले पढ़ाई करके दिखाइए। कभी भी अपने बच्चों से अपने परिवार वालों से झूठे वादे मत करिए। हमने आशा बच्चों को दिलासा दिला दी कि बेटा तुम ये काम करो हम ऐसी चीज़ ला के देंगे, आपने लोभ दिखा दिया,
लोभ दिखा के बच्चों ने वो काम पूरा कर दिया, फिर आपने उसकी पूर्ति नहीं की। एक बार बच्चा बर्दाश्त करेगा, दो बार बर्दाश्त करेगा, तीसरी बार से बच्चा तुम्हारी मानना बंद कर देगा। फिर कितने भी लोग दोगे वो बच्चा तुम्हारे आंग काम में नहीं सुनेगा। यहाँ तक हो सकता है कि आपसे भी वो झूठ बोलना सीख जाए। कभी बच्चों से झूठ मत बोलना कि बेटा ऐसा है कि वैसा है। जो सत्य कि बेटा इतना खाओ इतना देंगे, इतना करोगे इतना मिलेगा, लेकिन झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखा करके, फिर उनके सपनों को चूर चूर करना माँ, उनके साथ जिंदगी में खिलवाड़ करना है। हम बच्चों को हाई फाई सपने, कपड़े के लोभ, कहीं खिलौने के, कहीं इस चीज़ का लोभ दे देते हैं, और उन लोभ के माध्यम से बच्चे दिन रात बराबर काम कर देते हैं, और फिर उन्हें वो नहीं मिलता तो वो फिर बच्चे छुप छुप के वो काम करते हैं जो काम से आप मना कर रहे थे। बच्चों पर पूरी निगरानी रखिए, लेकिन पीछे मत पड़े रहिए। प्रेरणा देना, लेकिन प्रेरणा मत। उनकी भावनाओं को समझो। अगर बच्चा किसी काम में होशियार है और हमें वो काम पसंद नहीं है, उसकी आदत छुड़ानी है, तो कदापि उनके सामने डायरेक्ट मुंह मत लगिए। आप उसका सहारा लीजिए कि जो उसका ज़्यादा खास व्यक्ति हो, मित्र हो। अगर उसी मित्र के द्वारा ही वो संगति पल रही है तो पहले नंबर उसकी संगति दूर करिए। दूसरे नंबर, जिसकी वो बात मानता हो, जिसकी वो सुनता हो, पहले उसके माध्यम से खबर दीजिए। कदाचित आपका बच्चा ने गुटखा खाना प्रारंभ कर दिया, आपसे छिप के खाता था, आपको मालूम चल गया, एक दिन आपने चोरी से देख लिया कि बच्चा पुड़िया जेब में रखे हो, फाड़ के खा रहा है, और डायरेक्ट आप उसके सामने खड़े हो गए कि बेटा क्या कर रहे हो, खा रहे हो, और दो थप्पड़ मार दिए, डांट दिया। उस समय बच्चा सहम जाएगा, उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि अब पिताजी को पता चल ही गया है, अब तो खा लो, अब कोई टेंशन नहीं। अभी तक बच्चा आपकी मर्यादा बना करके छुप के खाता था, और आपने उसके सामने खड़े होकर चार बातें सुनाना प्रारंभ कर दी, चार लोग को बताना शुरू कर दिया कि बेटा बिगड़ चुका है, खाया हमने पकड़ा है, बस उसे ज्ञात हो गया कि पिताजी को पता चल ही गया है, अब वो तुम्हारे सामने ही पुड़िया खोल के खाएगा। इसलिए अपनी मर्यादा बची रहे, इसलिए इतनी मर्यादा बना लो कि देखते हुए भी ना देखा अनदेखा जैसा काम कर दो, ताकि आपकी इज्जत बची रहे। बच्चा गाली दे रहा है तो उस स्थान से छोड़ के भाग लो कि कोई ये ना कहे कि पिताजी ने, कोई कहे क्या हमने सुना नहीं क्या है, मालूम है कि बेटे ने गालियां दे रहा है, बुरे बुरे शब्द, ताकि उसको शर्म लगे कि पिताजी को पता नहीं चला, कम से कम अब हमें बच के रहना, और सुन ली उसका जवाब दिया तो वो पश्चाताप कभी नहीं करेगा, उसकी वो आदत पक्की हो जाएगी। कभी भी अपने बच्चों की तारीफ उसके सामने मत करना, और कभी अपने बच्चों की बुराई उनके सामने मत करना। माँ, सब में बड़ी भूल यही होती है कि हम एक बच्चे की इतनी तारीफ कर देते हैं और दूसरे बच्चे की हम ना तारीफ करते हैं ना बुराई करते हैं, अपने आप बुराई हो जाती है। कहने का मतलब, दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत सेवा करता है, तो हमने कहा मेरा बड़ा बेटा तो खूब सेवा करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, जैसा कहो वैसा कर लेता है। आपने दूसरे की निंदा नहीं की, लेकिन अपने आप निंदा हो गई ना, इसका मतलब कि दूसरा कुछ नहीं करता। इसलिए कभी भी वो बच्चों को, छोटा भी यदि बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, अगर उसने आ शब्द भी लिख के आपको दिखाए ना, उसको पीठ ठोंकी, प्रोत्साहन दीजिए, हवा भरिए, बहुत बढ़िया, आज तुमने बेटा जो कुछ मेहनत की आ बना लिया, अब तुम बा भी बना सकते हो, प्रोत्साहन दो। ये नहीं कि क्या इतना सा कर पाई एक घंटे में, और डांट दिया और हीन भावना दिखा दी, बच्चा और निराश हो गया और काम छोड़ देगा। छोटी सी भी इसकी सफलता, हमें मालूम है कि ये सफलता नहीं है, छोटा सा भी काम करके देता, उसको प्रोत्साहन दो, उत्साह शक्ति बढ़ाइए, ताकि वो उस काम में और लगनपूर्वक आगे को कर सके। अगर कॉपी में वो गलत चित्र बना रहा है, उल्टे सीधे पर चित्र बना रहा है, मारिए मत, डांटिए मत, शाबाशी दीजिए, उत्साह शक्ति बढ़ाइए, चलो कम से कम कलम पकड़ के चलाना तो सीखा। आज इसने दिल्ली रोटी, हमारी माँ जब पहली बार आप रोटी माँ के घर में सीखी थी तो भारत का नक्शा बना था, कहीं पतली तो कहीं कुत्ते घाई लटक रही तो कहीं कैसी बनती नहीं, लेकिन माँ ने तुमको पुचकार के हाँ बहुत अच्छा, सेंको बहुत अच्छा, कई बार आपकी उंगलियाँ भी जल गई, परांठे सेंकते समय पूरी बना, लेकिन माँ ने प्रोत्साहन दिया ना, आज देखो माँ अच्छा अच्छा भोजन बना के खिला देती हो। अगर उसी समय माँ डांटती, चलो नहीं बनता, नहीं बनवाना तुमसे, आटा खराब कर रही हो, तो माँ आज रोटी बना नहीं पाती, है ना। इसलिए बच्चे कोई भी हो, छोटियों को छोटा सा भी दुकान में नुकसान कर दे, बड़ा भी कोई बात नहीं बेटा, चलो कम से कम दुकान में बैठना तो सीखा, मत डांटो कि तुम नुकसान कर दिए, तुमने लॉस कर दिया, चलो भागो, तुम्हारी बस की नहीं है, ये नहीं है कि वो नहीं, उसे
गलती की एहसास भी हो जाए उसको प्रेम से पूछ करके हवा भरो, प्रोत्साहन दो, ना कि उसे नकारात्मक सोच दो। ठीक है बेटा, नुकसान हो गया हो जाने दो, कम से कम ये भान तो हो गया कि ये चीज़ इतने की व्यक्ति ऐसे बेचना पड़ता है, ऐसे लेना पड़ता है। प्रोत्साहन तो कम से कम वो दोबारा गलती करेगा नहीं और शर्म के मारे आपसे क्षमा भी मांगेगा कि पिताजी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इतने हावी हो जाते हैं उसकी एक गलती को 10 जगह बताते हैं कि आज इसने ऐसा काम कर दिया, इसकी वजह से हमारे ऐसा हो गया। माँ कर्म का उदय आ गया, घर में लॉस लग गया, लेकिन कभी बच्चों को दोष मत देना कि इसकी वजह से हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से आपने तो कह लिया होगा, बच्चा हीन भावना में चला गया, हो सकता है कि वो अपने प्राण भी गंवा सकता है, घर छोड़ के जा सकता है, यहाँ तक कि संगति को संगति में भी बदल सकता है, नशा आदि करने लग सके। इसलिए उतना ही प्रोत्साहन दो, इतना भी बढ़ावा मत देना कि झूठी तारीफ कर करके नुकसान में भी फायदा मनाते रहो। निगाहें रखना लेकिन निगाहें दिखाना मत। क्या आंखें दिखाना नहीं, आंखें तो रखना उसके ऊपर लेकिन आंखें दिखाना नहीं। आपकी लाल है, अपने लाल पर अपनी लाल आंखें मत दिखाना, नहीं तो लाल लाल आंखें तुम्हारी लाल लाल गोल हो जाएंगी। इसलिए माँ बच्चे कोई भी छोटे हो बड़े हो ये मत सोचो। और दूसरा, बच्चों के सामने ऐसा झगड़ा न करें, आपसी में अपशब्द न निकालें, आपसी में मनमुटाव मत करें, आपसी में मुँह फुला के मत बैठें कि बच्चों पे उनका बुरा असर पड़े। भले ही आप एक दूसरे से बोलें या ना बोलें लेकिन बच्चों के सामने शिष्टाचार और प्रेम और विश्वास का परिचय दें, उनसे अच्छे से बात करें। पता चला पति देव से आपकी लड़ाई हो गई या बच्चे की माँ से लड़ाई हो गई, बेटा प्रश्न पूछ रहा है, तुम कोई का जवाब नहीं, उसको डांट के भगा रहे, भाग यहाँ से, रहने दो, हो गया कुछ नहीं। माँ ये प्रतिभा आपने बच्चों को दबा दिया। अनाज की गलती बीज को क्यों धो रही हो, बीज को क्यों दबा के खत्म कर रही हो? यही बीज तुम्हारे संस्कार डलेंगे, यही बीज तो तुम्हारे वृक्ष बनने वाले हैं। आपसी की बुराई बच्चों को मत सुनाओ कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, दादाजी ने ऐसा किया, दादी ने ऐसा किया, ताऊ जी ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया। कभी बड़ों की गलती बच्चों को मत सुनाइए क्योंकि उन पर असर बुरा पड़ता है और बच्चे अपनी प्रतिभाओं में घुट घुट करके अपनी प्रतिभाओं को घोट झाड़ती हैं, है ना माँ? इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी युवाओं बड़े हमारी आपसी की गलती क्या है, व्यापार में क्या गलती हो गई क्या है, छोटे छोटे बच्चों को मत सुनाइए। घर में किस प्रकार की कंडीशन चल रही है, कभी छोटी बच्चियों को, कभी बहनों को, माताओं बच्चों को मत सुनाओ। क्यों? ये बच्चियां बड़ी बड़ी इनकी जो प्रतिभाएं थी कुछ करना चाहती, लेकिन परिवार की कंडीशन को सुनते सुनते इनको मालूम नहीं होता कि घर में खर्चा कैसे चलता है, लेकिन हम उन्हें बता बता कि आज ऐसा हो गया, उसने ऐसा ले लिया, और ये सुना सुना कि बच्चों की मस्ती की गुंथियाँ कर देते हैं। अब वो बहुत कुछ उठना चाहती थी लेकिन उन्हें पता चल चुका कि हमारे घर में खाने को तो एक रुपये आता नहीं है, हम ऐसी चीज़ मंगवा के ये चीज़ सीखेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा। वो अपनी शक्तियों को छिपा लेती हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आप उनको प्रोत्साहन दीजिए, बेटा आप पढ़ो, चिंता मत करो, हम ला के देंगे, तुम्हें करना क्या है, ताकि वो प्रतिभा खुलेगी तो वही बच्चे हमारे आगे घर को संभालने वाले होंगे। हमने अपना घर नहीं संभाल पाए, कम से कम वो अपना परिवार तो संभाल लेंगे कि कैसे उठना है, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी कमियों को बच्चों को बता देते हैं तो बच्चों की मन की गुंथियाँ ऐसी सिकुड़ जाती हैं कि जो उनकी उठने वाली शक्ति थी, ऊपर बढ़ने वाली शक्ति थी, दिमाग खुलने वाला था, वो अपना संकुचित कर लेते हैं। पिता में क्या कमी है कभी बच्चों को मत बताइए। पता है बच्चे बड़े होंगे, सब समझदार, सब समझ लेंगे, लेकिन अपने मुख से बता कर पति की क्या गलती, उनके बच्चों के सामने रोना मत रोइए। आपके दो दो आंसू देखकर माँ आपकी पीड़ा है हमें मालूम है, लेकिन बच्चों के सामने रो करके आपने उनकी जिंदगी भर के लिए आंखों में आंसू भर दिए, क्योंकि वो अपनी आंखों में आंसू, माँ से प्रेम करता है तो माँ के पक्ष में रह करके अपने पिता के प्रति द्वेष रखेगा। पति की लड़ाई आपकी एक दिन की थी, दूसरे दिन पति ने क्षमा मांग ली, आप एक हो गए, लेकिन बच्चों की नजरों में पिता की दृष्टि के प्रति विरोध खड़ा कर दिया आपने। या माँ के प्रति यदि पिता से प्रेम करता है तो माँ के प्रति, और माता पिता से प्रेम करता है तो दादा दादी के प्रति द्वेष रख लेता है, है ना? इसलिए बड़ों का कर्तव्य परिवार को लेकर चलना है, तो माँ बच्चों को नाजुक समझे और जब बराबरी होने लगे उन्हें मित्रवत समझे, ताकि वो अपनी दिल की बात सारी रखे, उनकी भावनाओं को समझिए। जहाँ गलत है तो उसके डांट के नहीं, इस तरीके से बात रखिए कि अपना भी काम बन जाए और बच्चे बच्ची समझ जाएं। डायरेक्ट उन पे उंगली उठा करके या हाथ उठा करके दबाने का प्रयास मत करना।
आज उंगली दिखा के दबाने का प्रयास करोगे, कल वो हाथ उठा के दिखा के चले जाएंगे। उन्हें इस तरह का संस्कार दीजिए कि बेटा हमने जो संस्कार दे रहे हैं ऐसी हरकत ही आप मत करो ना, हम स्वयं उनको इतनी छूट पहले से दे देते हैं, हाँ बेटा घूम आओ। आज पता चला कि बेटा कहाँ थी, आज मम्मी कॉलेज से लेट छुट्टी हुई, चलो कॉलेज में हम पता लगा रहे हैं कि तुम कितने बजे कॉलेज छूटे, तुम घर कितने बजे आ रही हो, पहले से स्टेक हो जाओ ना, हम पता लगा रहे हैं कहाँ थी। अगर उसने कहा कि हम फलानी सहेली की आ गई थी तो उसको पहले से आगे, तो देखो बेटा जहाँ भी जाओ मना नहीं किए लेकिन पहले फ़ोन करके बताओ कि कहाँ जा रहे हो। और बच्चों का कर्तव्य कि माता पिता का विश्वास जीतने के लिए जहाँ जाए पहले सूचना दें कि इतने बजे हम आएंगे, इतने बजे यहाँ जा रहे हैं, ताकि माँ बाप के विश्वास से जियोगे बेटा तो उन्नतियाँ करोगे, ठीक है ना। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो तुमसे कोई बात छिपा ना पाए, और आपका कर्तव्य कि बच्चों की कोई बात को उघाड़ ना पाए, उनकी बातों को आप छिपा के रखिए, और बच्चों का कर्तव्य कि अपनी बात कोई छिपा के ना रख पाए, ठीक है ना। चार लोग के सामने अपने बच्चों की बुराई कर दी, तो ऐसा है वो वैसा है ठिकाना ऐसा नहीं, माँ अपने बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, उनकी बुराइयां करके कल बच्चा सुधर गया, लेकिन उनकी दृष्टि में आज की बात अगर मन में रख ली तो हमारे बच्चे को उसी दृष्टि से हमेशा देखते रहेंगे। कभी हमारे बच्चे को ना पता है कि उनका बच्चा कैसा है, उसकी माँ खुद बोलती थी कि यह बच्चा ऐसा का बिगड़ा है, बताओ आपका बच्चा कब, उसने गलती में कोई गलती कर भी दी ना, अब वो सुधार कर भी ली ना, लेकिन तुमने जिन जिन को बताया है उनकी दृष्टि में बच्चा वो ये गलती वाला कहलाएगा, है ना। तो गलतियाँ हुई, बच्चे हमारे हैं, हम सुधारेंगे प्रयास करेंगे, लेकिन इतनी हीन भावना में मत डालो कि बच्चे कहीं खड़े होने का प्रयास करें तो लोग टांग पकड़ के किन की गिरा दें कि तू तो ऐसा है, तेरी माँ तो ऐसी बोलती, तू कितना खराब आदमी है, ठीक है ना माँ। इसलिए माँ बड़े लोगों को ये संस्कार बोध यही है कि हमें बच्चों के बीच में कैसे रहना, छोटी बड़ी बड़ी बातें समझाने से पहले बच्चों की छोटी छोटी बातों को समझना सीखो, उनकी वेदना को समझो, पीड़ा को समझो कि क्या चाह रहे। बच्चे अगर कपड़े के लिए रूठे ना तो ऐसे नहीं रूठे, अब तुमको बच्चे को हर साथ नए कपड़े चाहिए, ये इसके लिए रूठा है, ये डिजाइन के चाहिए, समझा करो कि बच्चों के साथ में जिस स्कूल की संगति में रह रहे ना उन बच्चों के कपड़े देख के आते हैं ना तो उनको भी लगता है कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, क्योंकि उनने अभी तुम्हारे घर में नहीं थे तो उनको तुम्हारे घर के देख के नहीं, उन जो बच्चों के कपड़े पहन के देखते हैं, उनके टिफिन में जो भोजन आता ना तो वही बच्चे रुकते मम्मी ऐसा खाना बना के रखो ना हमारे में, हमें ये चीज़ खिलाओ ना, क्यों। तो यहाँ छोटी बात समझा करो कि बच्चों के साथ में जो बच्चे बैठ के खाते ना जरूर उनके साथ ऐसा भोजन होता होगा, तभी आज हमारे बच्चों का मन इस खाने में ललचा रहा है, उन बच्चों में ऐसे पहनावा चल रहा होगा तभी हमारे आज बच्चों का मन इस चीज़ में हो रहा है, स्कूल में ऐसा खेल खिलाया जा रहा होगा इसलिए हमारे बच्चे इस खेल में आगे उतर रहे हैं। ये हमें छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए, ना कि उनकी बातों की प्रतिभाओं को दबाना नहीं। बच्चे कोई भी काम करे प्रोत्साहन दीजिए, उत्साह शक्ति बढ़ाइए, दृष्टि रखिए उन पर कि बच्चे गलत बह ना जाए, लेकिन मार से नहीं प्रेम से, प्रेम से माँ सर्प भी बस में हो जाता है। तो ये तो बच्चे हमारे हैं, इसलिए बच्चों को कभी प्रताड़ित मत करना, प्रेरणा देना, ठीक है ना माँ। बच्चों पर हाथ मत उठाना, यही बच्चे तो तुम्हारा हाथ थाम के चलेंगे, यही बच्चे भले ही माँ कितने बिगड़े बच्चे हो जाएं लेकिन माँ जब आवश्यकता पड़ेगी ना तो यही बच्चे तुम्हारा हाथ, जो हाथ इनकी तुमने गाल में लगाए थे ना वे ही हाथ तुम्हारे बच्चों को हाथ पकड़ के चलाएंगे। इसलिए इनके ऊपर हाथ तो उठा के रखना लेकिन इनके ऊपर से हाथ मत उठा लेना, इन पे हाथ मत उठाना और इनके ऊपर से हाथ मत हटाना, बस अपने बच्चों पर हाथ बना के रखना और ऐसा हाथ बना के ये छाया माँ तुम्हारी छाया इनके ऊपर, एक बच्चों की छाया हजार बच्चों की छाया होगी, आपकी छाया इनके लिए रहे। एक बच्चा मत तुमने संभाल के अच्छा बना लिया ना घर का, ये मत सोचना कि हमने अपने एक बच्चा सुधार लिया, एक बच्चा नहीं तुमने एक राष्ट्र को तैयार कर दिया, एक बच्चा नेता बन गया तो राष्ट्र को चलाएगा, एक बच्चा मुनिराज बन गया तो पूरे देश को संस्कारित कर देगा माँ। इसलिए बच्चों की गलती नहीं, संस्कार पे अपनी नजर डालो, वो ऐसे काम घर में मत करो, ऐसी क्रियाएं मत कराओ, ऐसी राग द्वेष हमारी बात बच्चों को मौत करो कि उनके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो, आपसी में समझौता करो, निपटारा करो, लेकिन बच्चों से कभी निपटारा मत करवाना। गलती आपसी की हो बच्चों को खड़े होकर मत करना कि देखो तुम्हारे बेटा बताओ बेटा क्या निर्णय करना है, नहीं आपसी का मामला है, आपसी में निर्णय लीजिए, बच्चों को बीच में मत खड़ा करिए, ठीक है ना। उनके प्रति पिता के प्रति सम्मान बना रहे ऐसे संस्कार दो, दादा दादी के प्रति सम्मान बना रहे ऐसे संस्कार दो। गलती भले ही आप आपसी में हो
लेकिन बच्चों से वही संस्कार दो, बेटा तुम्हारे दादा दादी है ना, तुम्हारे पूरा सम्मान है, भले ही हमें मान हाथ उठा के मारो, तुम्हारे पिता ने मारो, ससुर जी ने मारो, लेकिन नहीं बेटा, उनका कर्तव्य वो हमारे पिता समान है, वो हमें मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भागवादमी नमा ओम ह्रीम एम बद भगवादमी नमा ओम ह्रीम श्री क्लीम एम बद भगवादमी नमा।